बिल भरेगा कि गैस का भरेगा कि पेट में खाएगा। अगर ये सही चले ना हुकूमत, सही चले ना हुकूमत, सस्ताई कर देना तो बैठ जाए कुर्सी पर आराम से, और नहीं तो हट जाए। कैसलिया बेटा इमरान खान मेरे लिए कुछ करे। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की दुहाइयों ने तब्दीली सरकार को झंझोर डाला। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी ट्वीट में अवाम को तसल्ली दी, लिखा कुछ भी हो जाए हुकूमत मंगल को अवाम के लिए बुनियादी गजाई अशिया की कीमतों में कमी के लिए इकदामात का ऐलान करेगी। आटा और चीनी किसने महंगा किया, तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। कौम इत्मीनान रखे, जिम्मेदारों का कड़ा एहतसाब होगा, जो भी मुलव्वस हुआ उसे सजा मिलेगी। चोरी नहीं की तो मिल्स की तलाशी का हुक्म क्यों नहीं देते, अवाम को रिलीफ देना है तो शुगर मिल्स की तलाशी लें। मरियम औरंगजेब का रद्देअमल, कहा खान साहब के दोस्तों की चोरी ने मुल्क को गरीब तरीन कर दिया, इस्तीफा ही कौम को फौरी रिलीफ दे सकता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी कड़ी तनकीद, कहा तब्दीली पहले मजाक थी अब खौफ की अलामत बन चुकी है, डर उतरने और सुर्खी पा के बाद हुकूमत का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। नए टैक्स लगाने हैं या टैक्स वसूलियों का हदफ कम करना है, हतमी फैसला किया जाएगा। नेप्रा और स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तारी देने पर भी बातचीत होगी। बिजली गैस की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर इमरान इस्माइल से मुलाकात, अमन अमान और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान इस्माइल कहते हैं वफाकी हुकूमत स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहती है, अवामी मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म सबकी नुमाइंदगी चाहते हैं। असद उमर का भी कराची का दौरा, बोले जहाँ अवाम की फलाह की बात होगी वहाँ किसी को सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। इस शहर से और इस शहर के रहने वाले लोगों से इश्क है, इसलिए हम कहते हैं ये शहर हमारा है। पार्क कॉलोनी में केएमसी ऑफिस पर लैंड माफिया का कब्जा, मेयर कराची ने डीजी रेंजर से मदद मांग ली, लिखा 26 दिसंबर को लैंड माफिया के कारिंदों ने जबरदस्ती दफ्तर में घुसकर कब्जा किया। पार्क कॉलोनी थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई मगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, रेंजर्स कब्जा खत्म कराने में मदद करें।